हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube वीडियोस को आप Google Chrome में कैसे देख सकते हो। मैं कहने का मतलब समझिए, Google Chrome में आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, कोई दूसरा वेबसाइट खोल के बैठे हुए हो, और अपना काम करते करते आप YouTube वीडियो छोटे स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस पता नहीं होगा, इसको कहा जाता है YouTube PIP मोड। ठीक है, PIP का फुल फॉर्म होता है पिक्चर इन पिक्चर। इस पूरी व्यवस्था को जो है आपको पिक्चर इन पिक्चर व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक पिक्चर के अंदर आप दूसरा पिक्चर देख रहे हो। पहले यह टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, मोबाइल फ़ोन में हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, नया नया तरह का आप जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपको नया नया चीज़ डेली बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। ऐसे आपको बता दूं कि एंड्रॉयड फ़ोन में भी यह टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आज आपको जो है ना लैपटॉप में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर आप गूगल क्रोम में अगर काम कर रहे हो, कोई दूसरा काम, तो काम करते करते यूट्यूब वीडियोस को कैसे देख सकते हो। आपके बहुत सारे मुझे कमेंट मिले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है यूट्यूब PIP के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी रात के 12:05 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आपके कमेंट आते हैं तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ, जब भी होता है मैं वीडियो बनाता हूँ। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि वीडियो को लाइक करना चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि YouTube.com को हम सबसे पहले यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग YouTube.com को खोल लेते हैं, और यहाँ से मैं अपना चैनल ही सर्च करता हूँ। ठीक है, और मैं अपना ही वीडियो को खोलता हूँ, अभिषेक आनंद। ठीक है, फॉर यू, इस तरह से हम लोग टाइप करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा ही, ठीक है, ये आपका मेरा चैनल ही, मैं आप खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर। तब तक मैं एक यहाँ दूसरा वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है फ्लिपकार्ट। मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट को ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। इस तरह से फ्लिपकार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट के साइट पर भी अपना काम करता रहूँगा, जो भी हमको देखना है प्रोडक्ट वगैरह देखता रहूँगा, और साथ में अपना यूट्यूब वीडियो भी सिंगल विंडो पर हम देखते रहेंगे। कैसे होगा ये, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो पूरा साइट खुल रहा है, फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा चैनल तो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीडियो मेरा यहाँ पर है, इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ क्लिक करके। ये वीडियो देखिए ओपन हो गया है, और यहाँ पर जो है मैं इसको आवाज़ कम कर देता हूँ इसका, इसको पॉज ही कर देता हूँ। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर जो है आपको राइट क्लिक करना है इसके वीडियो के स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब में। ये देखिए, पहला आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको आएगा एक ऑप्शन पिक्चर इन पिक्चर मोड। कभी कभी क्या होता है कि आप पहली बार जब राइट क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन नहीं आते, आपको दो बार राइट क्लिक करना पड़ता है। एक बार इस तरह से कर देना राइट क्लिक, इस तरह से आप करोगे ना पहले ये आएगा। ठीक है, और फिर दोबारा यहीं पर आपको राइट क्लिक करोगे ना, तो यह ऑप्शन ऑप्शन आपको आवाज आ जाता है पिक्चर इन पिक्चर। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पिक्चर इन पिक्चर। ठीक है, क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपका ये वीडियो आ गया है। अब इसको यहाँ से जो है ना, ये स्क्रीन को आप कहीं भी ले जा सकते हो, ये स्क्रीन आपका रहेगा, उसको प्ले कीजिए तो ये वीडियो आपका देख और सकते फिर हो जो यहाँ है पर आ रहा है। आपको ठीक जो है है, आप यहाँ यहाँ पर से आप आपको देख जो सकते है हो। निकलना अब है कि देखिए, आप ये तो हो गया आपका काम। अब देखिए मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर भी वीडियो यहाँ पर चल रहा है। अब मान लीजिए फ्लिपकार्ट के भी ऊपर में हूँ, कोई मैं मान लीजिए प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, फिर भी ये विंडो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आराम से जो है ना, आप यहाँ से वीडियो को प्ले कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते प्ले हो। मान करके लीजिए अपना आपको जो है यहाँ सब पर कुछ सर्च देख करना सकते है हो। कॉल ठीक करता है। है, ठीक है, तो जैसा और कि अपना अभी प्रोडक्ट भी आपने देखते रहिए, जो सर्च देखना है किया देखते कि रहिए, हमें कहीं भी किसी जाना भी है या साइट के वहाँ से ऊपर। जाना है, तो आपको मान लीजिए ठीक है, तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि चलेगा तो हो सकता है कि मेरा आवाज़ आपको आए या नहीं आए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये देखिए, आप इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हो और पॉज कर सकते हो। इसका ज़्यादा आपको यहाँ पर कंट्रोल नहीं मिलता है, जैसे वीडियो आगे बढ़ाने के लिए या बहुत कुछ ऑपरेशन नहीं मिलता है, लेकिन जितना मिलता है उतना काफ़ी है। आप यहाँ आराम से वीडियो को प्ले करके और पॉज करके अपना देखते रहो और अपना काम भी करते रहो, आपका मन भी लगेगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। ठीक है,
तो ये तरीका है, इस तरीके को जो है ना YouTube PIP मोड कहा जाता है, पिक्चर इन पिक्चर मोड, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हमको एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, हम काम कर रहे हैं लेकिन मेरा वीडियो चालू नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपके लिए ये चीज़ बनाया ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं लाइव कि ऐसा हो पाएगा। आप इस तरह से करोगे तो बिल्कुल हो पाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साइट पर जाओगे ना, यहाँ पर आपका ये वीडियो चालू रहेगा। जैसे कि मैं देखिए यहाँ google.com यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपका वेबसाइट भी गूगल हो गया, यहाँ से अपना जो भी सर्च करना है सर्च करते रहिए। जैसे कि मेक मनी, मुझे जो है ना मेक मनी ऑन फ्रॉम यूट्यूब, ऑन यूट्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो आप सर्च भी होता रहेगा और आपका ये वीडियो कहीं भी आपको ले जाना है स्क्रीन के ऊपर, ले जाइए और अपना काम करते रहिए। कोई टेंशन की बात यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। आपको इसको बंद करना है तो यहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर जा सकते हो। याद रखिए कि अगर आपने YouTube वीडियो यहाँ पर ओपन किया हुआ है तो इस विंडो को बंद मत कीजिएगा। अगर इस विंडो को आप बंद करोगे तो आपका वीडियो कहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा तो बंद हो जाएगा। तो इस विंडो को आप तब तक चालू रखिए जब तक कि आप वीडियो देखना चाहते हो, इस विंडो को बंद ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करना है तो आप इसको राइट क्लिक आप डबल कर लीजिए और यहाँ पिक्चर इन पिक्चर को जो है ना आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो आप देखोगे कि फिर से स्क्रीन में आ जाओगे, आपका छोटा वाला स्क्रीन वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो यही तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि गूगल क्रोम पर काम करते हुए भी यूट्यूब वीडियोस का मज़ा आप कैसे ले सकते हो। मैंने आई बटन में यहाँ पर यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस डाल दिए हैं लिंक, आप उसको देख के अपना यूट्यूब का नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाह रहे हो तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को दबा दें, और क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जब भी आएंगे आप उसको जल्द से जल्द वॉच कर पाओगे। बहुत बहुत मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।